हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जो जहाँ पे रहे बढ़िया रहे। तो आज हम जा रहे हैं, ये जो आगे है मेरा हंटर चल रहा है, ये मेरा बाइक हंटर है, आप लोगों को पता है। तो इसको चेंज करके लेंगे R15 कोई भी बाइक, क्योंकि मेरे को ये इतना खास नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। और इसको थोड़ा कौन साइड है बहुत ज़्यादा मेरे को, इसीलिए अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सोच लिया मैंने चेंज करेंगे इसको। तो चलो देखते आगे, तो इसको चेंज करके R15 AM नहीं तो V4 जो मिले वो लेके आएंगे। हम लोग जाएंगे मार्केट, ये आ गए मार्केट, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे तीन खड़ा है, एक AM पर ये, एक ये रेसिंग ब्लू और एक व्हाइट में पड़ी है। तो रेसिंग ब्लू ये सबसे बढ़िया अच्छा लग रहा है कंडीशन में, मत ज़्यादा से ज़्यादा 3400 किलोमीटर चलिए, 3400 किलोमीटर। और ये है एम, ये 250 किलोमीटर चला था, लेकिन इसका इंजन में थोड़ा आवाज़ दे रहा था और इंजन में V34 तो ये नहीं लेंगे। तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा ये रेसिंग ब्लू जो V4 में है, ज़्यादा नहीं चला है, नॉर्मल गाड़ी है। तो इसको लेकर जाएंगे, तो बातचीत करके हम लोग जो है इसको एक 1,65,000 कीमत फाइनल हुआ, और मेरा वाला भी 1,70,000 में दे रहा था, लेकिन बता रहा है ना 1,70,000 में नहीं, 1,65,000 में ही डील फाइनल करते हैं। तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें कोई कीमत नहीं लग रहा है, बस लिखने के लिए 2,000 रुपया मेरे को देना पड़ रहा है। तो आप लोगों को ये डिसीजन कैसे लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे लिखा पड़ा चल रहा है, तो मेरे को काफ़ी पहली जैसे भाई सिग्नेचर इसको जो RC वगैरह मेरा नाम पे ट्रांसफ़र होने वाला है, इसीलिए इधर से हो जाएगा, मेरे को दूर जाने का लोड नहीं है। तो रेसिंग ब्लू कैसा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरा डिसीजन कैसे रहा। और ये मेरा हंटर अभी मेरा नहीं है, दूसरा किसी को हो जाएगा, लिखा पड़ा जो है वो हो गया। और ये रेसिंग ब्लू आप लोग देखिए कैसे लग रहा है, चमकते हुए घर दिए। और ये रेसिंग ब्लू अच्छा लग रहा है व्हाइट से भी जो R15 AM है, लेकिन इसको मेटेरियल्स और थोड़ा नॉर्मल है R15 का है, मैंने देखा रहे ये देखिए थोड़ा अब वो है, ये लोहे तो नहीं है, प्लास्टिक है, इसीलिए। तो मैंने इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये है एम रुद्रा वाला, तो ये भी ऐसे हिल रहा था। तो कैसे लगा वीडियो, तो कैसे लगा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। और आगे से भी V4 का वीडियो लाएंगे, देख